फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मौसम तेजी से बदल रहा है, ठंडक ने दस्तक दे दी है। मौसम बदलते समय इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ऐसे में सर्दी, जुकाम और खांसी होना लाजमी है। इससे बचने के लिए घर में कुछ घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। तुलसी के पत्ते को काली मिर्च, मुनक्का, थोड़ा सा आटे का चोकर और मुलेठी के साथ पानी में उबाल लें। जब पानी आधा हो जाए तो उसे ठंडा करके छान लीजिए। रात में सोने से पहले गर्म करें और थोड़ी सी चीनी डालकर पिए। 3 से 4 दिन तक इसे लेने से खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सेंधा नमक की डली को आग पर अच्छे से गर्म कर लें। जब नमक की डली गर्म हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लें। सोने से पहले इस पानी को पीने से खांसी में काफी आराम मिलता है। खांसी होने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल लें। सोने से पहले इस दूध को पिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में खांसी ठीक हो जाएगी। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से खांसी खत्म होती है। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फायदा मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।